इन दोस्तों जय श्री राम। आज हमारे इंडिया और नेपाल दो पड़ोसियों के बीच में यहाँ पे मैच था और हम दोनों भाइयों के बीच में मैच था तो पाकिस्तान वाले रोने लगे और मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नेपाल टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों ने बहुत ही गजब का खेला है। मतलब आज अगर मैं बात करूँ आप लोगों की इनिंग्स की तो आज देखिए अगर थोड़ा सा लक अगर आप लोगों के साथ हो जाता तो टीम इंडिया हो सकती थी हार सकती थी और थोड़ा सा एम्पायर का फेवर अगर हो जाता तो बड़े बड़े नाम जो है वो रखे रह जाते। मतलब जिस तरह नेपाल टीम ने बैटिंग की है और बॉलिंग की है आप कह सकते हैं नेपाल टीम ने बहुत गजब का बैटिंग बॉलिंग किया है। 179 रन मतलब इंडियन टीम के बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने आपने 179 रन ठोक डाले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेपाल के जितने भी फैंस है वो थोड़ा सा दुखी होंगे लेकिन मैं कहूंगा नेपाली फैंस से कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। और मैच खत्म होने के बाद जो हमारे प्लेयर थे उन्होंने भी अप्रिसिएशन किया, नेपाल के जितने भी प्लेयर हैं हमारे कोच जो थे यहाँ पे उन्होंने भी अप्रिसिएशन किया। तो नेपाल टीम की आज गजब की बॉलिंग थी। अगर मैं प्लेयरों की बात करूँ तो प्लेयर थे यहाँ पे जो कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह, कुशल पुरतेल, बहुत अच्छी अच्छी बैटिंग की, संदीप जोरा, मतलब गजब की बैटिंग यहाँ पे नेपाल की तरफ से देखने को मिली। अगर बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग भी आज नेपाल टीम ने बहुत अच्छी की, मतलब वो तीन चार हमारे इंडियन बैट्समैन जो थे वो उतना अच्छा नहीं चल पाए, मगर दो बैट्समैन मैं इंडियन का नाम लेना चाहूंगा जिसने आज गजब का खेला, मतलब यशस्वी जायसवाल, उसका नाम ही यशस्वी है, पूरे दुनिया पे वो राज कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 49 बॉल में 100 रन मारा ये पूरे दुनिया के लिए एक ट्रेडमार्क क्रिएट कर दिया यशस्वी ने कि आप कहीं के भी बॉलर हो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हो, इंग्लैंड के हो, वेस्टइंडीज के हो, कहीं के भी हो। यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने जो फिनिशिंग टच दिया वो बढ़िया था, यशस्वी जायसवाल ने स्टार्टिंग दिया, रिंकू सिंह ने फिनिशिंग टच दिया जिसकी वजह से टीम इंडिया जो है ओवर स्कोर 202 रन बनाई। लेकिन बड़े बड़े नाम आज फ्लॉप रहे, ऋतुराज गायकवाड फ्लॉप रहे, जितेश शर्मा जो आईपीएल के स्टार है वो फ्लॉप रहे। अगर मैं बात करूँ फिर यहाँ पे शिवम दुबे उतना अच्छा नहीं चल पाए, 26 रन मारा उन्होंने 19-20 बॉल में, लेकिन रिंकू सिंह ने जो खेला पारी वो गजब का पारी था। मतलब वो लास्ट और 18वां ओवर में आके 6-4, 6-4, 6 वो गजब, मतलब कहे जाए तो इंडियन टीम की बैटिंग ने बहुत अच्छा किया। लेकिन नेपाल टीम की बहुत ज्यादा मैं तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि उनके जो फिनिशर है दीपेंद्र सिंह, उसने गजब का खेला। थोड़ी देर अगर और टिक जाते तो हो सकता था टीम इंडिया के ऊपर मुसीबत आ सकती थी, लेकिन वो ना टिक पाना, थोड़ी देर संदीप का ना टिक पाना, जिसकी वजह से जो नेपाल टीम है वो हाथ से मैच फिसल गई आप कह सकते हो। लेकिन कुशल भुरतेल, जिस तरह भुरतेल ने जिस तरह स्टार्टिंग दी नेपाल टीम को और जिस तरह गेम को आगे बढ़ाया, लग रहा था कि नेपाल टीम इंडिया का जो विशाल टारगेट है उसको चेस कर लेगी, लेकिन बॉलिंग अटैक में रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छा किया। तो ये ओवरऑल यहाँ पे मैच था, नेपाल टीम को मैं कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा गेम था, बहुत अच्छा खेला नेपाल के प्लेयरों ने और हम चाहते हैं, हम आशा करते हैं, कामना करते हैं कि नेपाल टीम इसी तरह अच्छी खेलती रहे ताकि वर्ल्ड के लेवल पे उसको भी रिकॉग्निशन मिले। और इंडियन टीम के सामने आपने अच्छा खेला, मतलब आप सोचिए बाकी टीम के सामने आप कितना अच्छा खेलेंगे। मुझे तो लगता है नेपाल टीम अब पाकिस्तान के साथ खेलेगी तो पाकिस्तान को ऐसे ही हरा देगी। और इससे अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा था कि नेपाल टीम इंडिया को हरा देगी लेकिन इंडिया ने नेपाल को हराया, तो वो पहले नेपाल को तय कर रही थी, नेपाल की तारीफें कर रही थी, लेकिन नेपाल टीम जब हार गई तो फिर नेपाल की बुराइयां करने लगी। मतलब मैं तो पहले भी कहा था ये जो पाकिस्तान है वो न इंडिया का है न नेपाल का है, हमारा नेपाल का क्या है कि संबंध अच्छा है, हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, कभी भी नेपाल टीम हमारे साथ आती है खेलने के लिए तो हम लोग उसको उतना ही इज्जत देते हैं जितना हम अपने प्लेयरों को देते हैं। तो इंडिया नेपाल में कोई मसला नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले बीच में झगड़ा लगाने का ट्राई करते हैं और बाद में फिर इसे खुद मुंह की खा के पीछे जाना पड़ता है। तो आज नेपाल टीम ने भी यहाँ पे पाकिस्तान को अच्छे से मुंहतोड़ जवाब दिया, इंडियन टीम ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, तो दोनों ने मिलकर आज पाकिस्तान को धोया है अगर कहा जाए तो। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं नेपाल टीम के लिए, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से बॉलिंग किया, इंडियन टीम ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से बॉलिंग की। और फील्डिंग की बात करूं तो वो रिंकू सिंह का फील्डिंग और राहुल त्रिपाठी का फील्डिंग कैसे भूल सकते हैं, राहुल त्रिपाठी ने कैच लेके रिंकू सिंह को फेंक दिया, रिंकू सिंह ने कैच पकड़ा और फिर दीपेंद्र सिंह ने जो सिक्स बचाया लास्ट बॉल में रिंकू सिंह का, वो गजब का था। तो ओवरऑल कहा जाए कि दोनों टीमों में अच्छे बैटर्स, अच्छे बॉलर, अच्छे ऑलराउंडर और अच्छे फील्डर है, इधर दीपेंद्र सिंह तो उधर रिंकू सिंह, उधर यशस्वी जायसवाल तो इधर कुशल भुरतेल, उधर ऋतुराज गायकवाड तो इधर रोहित पोटाल, मतलब कहा जाए तो ओवरऑल बढ़िया टीम थी, बढ़िया मैचेस हुए और बहुत अच्छा यहाँ पे एशियन गेम्स में नेपाल टीम ने
टक्कर दिया यहाँ पे बाकी टीमों को, और जिस तरह से नेपाल टीम ने सक्सेस निकाला वो पहले हांगकांग फिर मालदीव्स, मतलब मालदीव्स के साथ तो भाई उसने रगड़ दिया था, और हांगकांग को भी रगड़ था, उसको मंगोलिया को रगड़ा था, सॉरी हांगकांग ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नेपाल, आपने बहुत अच्छा खेला, और दिल से सल्यूट है आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।